आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं मुक्ता जी? आज हम बना रहे हैं पनीर पसंदा। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए पनीर, टमाटो प्यूरी और काजू का पेस्ट, हरी मिर्ची कटी हुई और क्रीम, धनिया पिसा हुआ, आमचूर और सूखी मेथी, नमक, पिसा हुआ लहसुन, टमाटो सॉस और तेज पत्ता, दालचीनी, हरी मिर्ची स्लाइस करी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, जीरा साबुत और जीरा पिसा हुआ और दही और तेल। तो सबसे पहले क्या करेंगे मुक्ता जी? हम पहले सॉस बनानी शुरू कर देते हैं, फिर इस कढ़ाई में। जी ओके। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, दो पीस दालचीनी, ओके, और एक तेज पत्ता। इसको हल्का भूरा लाल कर लेते हैं। ओके। थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा। जी। अब हम इसमें डालते हैं टमाटो प्यूरी आधा कप के करीब। ओके। और उसको कुछ मिनट पका के गरम करके में हम डालेंगे काजू का पेस्ट एक बड़ा चम्मच। ओके। थोड़ी सी ग्रीन चिली। ओके। और इसमें हम डालते हैं अब नमक आधा चम्मच और स्वाद के अनुसार। जी। थोड़ी टमाटो सॉस, क्योंकि टमाटो प्यूरी काफी खट्टी होती है, तो 2 चम्मच सॉस डाल के कलर भी आ जाता है और थोड़ी सी मीठी भी रहती है। थोड़ी मीठी भी हो जाती है। अब इसको जैसे ही उबाला आएगा इसमें हम क्रीम डाल देंगे। ओके। तीन चम्मच क्रीम डाल के। ओके। और इसको बंद कर देंगे। बंद कर दें? हाँ जी। ठीक है, तो सॉस तो हमारी तैयार है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मुक्ता जी? जी, अब हम पनीर का पसंदा का तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे दही 4 चम्मच बड़े। जी। दही डाल के अब इसके बाद हम इसमें मसाले मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल। जीरा डालेंगे, जो जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर आधा चम्मच। ओके। और कसूरी मेथी आधा चम्मच, इससे खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। बिल्कुल। और धनिया पाउडर 1 चम्मच, आमचूर 3 चम्मच, 3 चम्मच छोटे चम्मच। ओके। काफी खट्टा होगा? हाँ, खट्टा हो जाता है, पर वो फिर सॉस से मीठा आ जाता है। ओके। इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। जी। तो एक तरह से हम मैरिनेशन बना रहे हैं। मैरिनेशन बना रहे हैं। ओके। डाल दो पनीर। हाँ जी। तो पनीर के हमने यहाँ पे स्लाइसेस कर रखे हैं। जी। ओके। पनीर के स्लाइसेस को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। ओके। तो अब हम इसे ग्रिल करें। ग्रिल कर ले। ठीक है, तो इसमें ऑयल डाल लें। ऑयल डाल के, नॉन स्टिक है इसलिए हल्का ही ऑयल पड़ेगा। जी, तो ऑयल गरम कर लेते हैं अच्छी तरह। ऑयल गरम करके अब हम इसमें, ऑयल गरम हो गया इसमें एक एक पीस करके हम डाल देंगे। तो हमें इसको बेसिकली कलर देना है, अच्छा सा कलर, अच्छा सा आ जाए और बस पनीर जरा सा हल्का पक जाए। लाइए, मैं इसको पलट दूं। एक साइड से तो अब लाल हो गया है। बिल्कुल, एक साइड से तो कलर आ गया। अच्छा, कलर आ गया है। इसमें बहुत कलर भी नहीं देते, फिर पनीर सूख जाता है। ओके। तो हल्का हल्का करके, तो अच्छी तरह ये अंदर तक जब गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। सर्व कर सकते हैं और साथ में सॉस, गरम सॉस ऊपर से डाल देंगे। अब तैयार है इसे आप सर्व करने के लिए। ओके।
और इसके ऊपर अब उसके ऊपर से सॉस डाल देंगे हम व्हाइट और रेड में अच्छा भी बहुत लगता है बिल्कुल और उसमें क्रीम पड़ी हुई है मीठा पड़ा है सब हाँ इसमें कैश्यू नट पेस्ट भी है तो काफी रिच भी है ये रिच भी है अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे स्प्लिट ग्रीन चिलीज के साथ बिल्कुल सो दैट हमारे पास थर्ड कलर भी आ जाएगा बिल्कुल तो तैयार है खाने के लिए बिल्कुल तो तैयार है हमारे पास एकदम नए ढंग से पकी हुई एक डिश पनीर पसंदा पनीर पसंदा बनाने के लिए आपको चाहिए तेल दो बड़े चम्मच कटा प्याज दो बड़े चम्मच दालचीनी दो टुकड़े तेज पत्ता एक जीरा आधा छोटा चम्मच टमाटो प्यूरी आधा कटोरी पिसा काजू एक बड़ा चम्मच कटी हरी मिर्च एक छोटा चम्मच नमक स्वादानुसार टमाटो केचप एक बड़ा चम्मच क्रीम तीन बड़े चम्मच दही चार बड़े चम्मच पिसा जीरा आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी आधा छोटा चम्मच पिसा धनिया एक छोटा चम्मच अमचूर तीन छोटे चम्मच पनीर एक कटोरी अब इसे बनाने की विधि नोट करें एक कढ़ाई में तेल गरम करें इसमें प्याज दालचीनी तेज पत्ता और जीरा भूने टोमेटो प्यूरी पिसा काजू हरी मिर्च और नमक मिलाएं अब इसमें टोमेटो केचप और क्रीम डालकर सॉस बनाएं एक बर्तन में दही लें जीरा कसूरी मेथी धनिया और अमचूर मिलाएं इसमें पनीर डालकर मैरिनेट करें एक पैन में तेल गरम करें इसमें मैरिनेट किए पनीर को तलें सॉस और हरी मिर्च से पनीर को गार्निश करें और सर्व करें